Hello, Bacho. Let's read the question. A man of mass capital M having a bag of mass small m slips from the roof of a tall building of the height capital H and starts falling vertically below figure. When at a height small h from the ground, he notices that the ground below him is pretty hard but there is a pond at a horizontal distance x from the line of fall. In order to save himself, he throws the bag horizontally with respect to himself in the direction opposite to the pond. Calculate the minimum horizontal velocity imparted to the bag so that the man lands in the water. If the man just succeeds to avoid the hard ground, where will the bag land? Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept and here. की कॉन्सेप्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम states that दैट इन absence ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जो मोमेंटम रहता है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम और साथ में वी विल यूज हेयर इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बेसिकली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती हैं

इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर इसने यहाँ से स्टार्ट किया होगा लेकिन जैसे ही ये यह यहाँ पे ग्राउंड से स्मॉल एच हाइट पे पहुंचता है ये देखता है कि यहाँ नीचे अगर ये इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा तो एक हार्ड ग्राउंड पे जाके गिरेगा तो इसको यहाँ पे वर्टिकल से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉन्ट दिखाई देता है तो ये यह यहां पे अपने आप को हार्ड ग्राउंड तक पहुंचने से बचाने के लिए अपने बैग को एक तरीके से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड यानी पॉन्ड अगर इस साइड है तो ये अपने आप का जो बैग है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे थ्रो करता है नाउ हमें ये बताना है कि यहाँ पे इस बैग को जब ये थ्रो करेगा उस टाइम पे बैग की वेलोसिटी कितनी होगी ताकि जो ये पर्सन है ये पॉन्ड पे जाके गिरे दूसरा हमें ये बताना है कि ये जो बैग यहाँ पे इसने थ्रो किया है इसकी पोजिशन कहाँ पे होगी तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जब मूव कर रहा था तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था जैसे इसने बैक को थ्रो किया उस पर्टिकुलर केस में इसने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया होगा यानी अगर हम बैक को थ्रो करने से पहले और बैक को थ्रो करने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो इस पर्सन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है था वी कैन से बिफोर थ्रोइंग बैक जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम होगा वो हमारा यहाँ पे सेम रहेगा सो वी कैन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो जीरो है इसलिए यहाँ पे जो मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू दी फाइनल मोमेंटम क्योंकि यहाँ पे जो इसका बैक थ्रो करने से पहले मोमेंटम है इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो जीरो है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है इसलिए इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम पे बैग और पर्सन मिलके पूरा सिस्टम बना रहे हैं तो हम ये मानते हैं जो हमारे पास यहाँ पे पर्सन है इसकी जो वेलोसिटी है कैपिटल वी है तो यानी हम लिख लेंगे इसको एम इंटू कैपिटल वी प्लस एम इंटू स्मोल वी स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बैग एंड वी इज द वेलॉसिटी ऑफ बैग जिसके थ्रू यहाँ पे जो पर्सन है ये बैग को थ्रो करेगा और जो पर्सन है ये यह यहाँ पे हार्ड ग्राउंड पे जाने से रुक जाएगा नगर हम वी की वैल्यू देखे तो इट विल बी माइनस एम इंटू कैपिटल वी डिवाइडेड बाय स्मोल एम ये हो जाएगी हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो कैपिटल वी है इट इज दी ऑफ मैन और स्मॉल एम हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ द बैग है कैपिटल एम इज द मास ऑफ द मैन नव यहाँ पे अगर हम कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट कर दें इन द गिवन डेटा तो हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉल वी वेलोसिटी के साथ बैग यहाँ पे थ्रो किया जा रहा है वो हमें ओपटेन हो जाएगा नाउ वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे पर्सन है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा आफ्टर द हाइट स्मॉल एच तो हम यहाँ पे अगर इसको विड्रॉ करें ये पूरी हाइट हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एच के बराबर है और यहाँ पे जो पर्सन है बैग को थ्रो करना स्टार्ट करता है एट द हाइट एच जब जैसे ये बैग को यहाँ पे थ्रो करता है उस पर्टिकुलर केस में ये यह यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस को कवर करेगा तभी जाके ये यहाँ पे पॉइंट तक पहुंच सकता है तो यहाँ पे जो ये पर्सन है जब ये बैग को थ्रो कर रहा होगा उस पर्टिकुलर केस में इसकी जो वेलोसिटी है अगर हम इसकी बात करें तो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ मैन वाइल थ्रोइंग द बैग तो ये हमारे पास दे रही कैपिटल वी के बराबर एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स एक्स डिवाइडेड बाई टाइम यानी यहां पे ये जो मोशन कर रहा है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करेगा और इसको यहाँ पे एक्स डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ताकि ये पॉइंट तक पहुंच जाए इस एक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए सपोज ये हम मानते हैं ये टी डैश टाइम ले रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है हमने इसको यहाँ पे लिख लिया एक्स डिवाइडेड बाई टी डैश नाव यहाँ पे अगर हम टी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है बैक के वेलोसिटी की वो हमें ओपटेन हो जाएगी नव ये टी डैश वेलोसिटी हमारे पास वो है जब पर्सन ने यहाँ पे बैक को थ्रो किया था इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इन द टर्म ऑफ कैपिटल एच एंड स्मॉल एच सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो जब ये पर्सन ने कैपिटल एच हाइट से यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट किया होगा तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पे ग्राउंड तक पहुंचेगा तो सबसे पहले अगर हम देखें टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट एच अगर हम इसको देखें तो इसके लिए वी विल यूज हर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज एस प्लस टोटल हाइट यहाँ पे एच के बराबर है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि ये यह पे फ्री फॉल कर रहा है सो इट विल बी रहे जी इंटू हम इसको लिख लेते टी वन स्क्वायर तो यहाँ से टीवन की जो वैल्यू होगी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू एच डिवाइडेड बाई जी ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड नाउ यहाँ पे जो ये पर्सन है जब ये स्मॉल एच हाइट पे था उस पर्टिकुलर केस में इसने यहाँ पे बैक को थ्रो करने से पहले जो टोटल डिस्टेंस कवर की फ्रॉम द टॉप ऑफ द गिवन बिल्डिंग हम उसको देखें तो ये यहाँ पे टोटल जो हाइट है इट इज एच माइनस स्मॉल एच सो वी कैन से एच माइनस स्मॉल एच हाइट को कवर करने में सपोज इसने यहाँ पे टी टू टाइम लिया तो हम लिख सकते हैं टाइम टेकन टू रीच The height of capital H minus small h इसके लिए अगेन वी विल यूज हि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो यहाँ पे हो जाएगी एच माइनस एच इक्व हाफ जी इंटू टी टू स्क्वायर यहां से टी टू की जो वैल्यू होगी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई जी ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड तो यहाँ से अगर हम एक बात को समझें कि जब ये पर्सन यहां से फॉल करना स्टार्ट किया था तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में टी वन टाइम लगेगा लेकिन यहां पे जब वो स्मॉल एच हाइट पे था उस पर्टिकुलर केस में इसको जो टाइम लग रहा है वो टी टू टाइम लग रहा है और यहीं पे वो डिसाइड करता है बैक को थ्रो करने के, यानी जो इसके बाद रिमेनिंग टाइम है इसी रिमेनिंग टाइम में इसको यहां ये एक्स डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी तभी जाके पॉइंट तक पहुंच सकता है अगर इस टाइम से कम ये टाइम लेगा तो वो वहां पे पॉन्ट तक ना पहुंच के ग्राउंड पे ही फॉल कर जाएगा सो वी कैन से हियर टाइम टेकन टू कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एंड इट विल बी गिवन एज टी डैश इक्वल्स टी वन माइनस टी टू

तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन वाइल थ्रोइंग अ बैग इट विल बी गिवन एज वी इक्वल्स एक्स डिवाइडेड बाई टी डैस टी डैस की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू कैपिटल एच डिवाइडेड बाई जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू एच माइनस जो वैल्यू निकल के आई है इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो वी कैन फाइंड आउटीन राइट हेयर वेलोसिटी ऑफ बैग विल बी वी इक्वल माइनस एम इन टू वी वी की वैल्यू हमारे पास है एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू एच डिवाइडेड बाई जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मोल एच डिवाइडेड बाई जी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मास ऑफ द बैग के साथ तो अगर हम यहाँ पे बैग को इस वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दें तो जो पर्सन है ये यह यहाँ पे हार्ड सरफेस में न गिर के पॉन्ट में जाके फॉल करेगा नाव हमसे यहाँ पे साथ में भी पूछा गया है जो बैग है इसकी पोजीशन क्या है तो इस केस में अगर हम देखें तो जो बैग है इसको थ्रो करने से पहले जो पर्सन है ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा था और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि यहां है, भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये होगा जो सिस्टम है हमारे पास उसका जो सेंटर ऑफ मास है ये सेम रहेगा और यहाँ पे यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन एज एक्स इक्वल्स मास ऑफ बैग मल्टीप्लाइड विद इट्स पोजीशन प्लस मास ऑफ मैन मल्टीप्लाइड विद इट्स पोजीशन इसकी पोजीशन यहाँ पे एक्स तक है

एंड हेयर नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट जो हमारे पास बैग है इसकी पोजिशन पर्सन के जस्ट अपोजिट है हो पॉल्यू अंडरस्टूड इट थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक